गाइज, हमारे साथ आज हैं होमी वाडिया सर। उनके साथ बात करने से पहले मैं आप सबको बता दूं कि उन्होंने काफ़ी टाइम से इस फील्ड में काम कर रहे हैं, काफ़ी टाइम से इस फील्ड में हैं। एंड गाइज, हाई वेलकम ऊर्जा, हार्वी वेलकम, अकील वेलकम। गाइज, हमारे साथ में है आज होमी वाडिया सर। होमी वाडिया सर इज अ वंडरफुल फ्रेंड ऑफ माइन, वंडरफुल पर्सन एंड सच अ वंडरफुल एक्टर ऑल्सो। हाई हनी, वेलकम हनी, वेलकम गाइज। सो मैं उनको ब्रॉड पे ले रहा हूँ, आप प्लीज उनका स्वागत कीजिएगा। होमी वाडिया सर, थैंक यू जिग्स, वेलकम जिग्स, वेलकम जिग्स, वेलकम, थैंक यू, थैंक यू अमी भाभी, वेलकम हनी, वेलकम, थैंक यू, हेलो हेलो। होमी वाडिया सर आज हमारे साथ में है, तो मैं उनको ब्रॉड पे ले रहा हूँ। सो गाइज, प्लीज उनका स्वागत कीजिएगा। हाय अनुषा नगर, वेलकम। हाय अंशु, वेलकम वेलकम अंशु। आई एम देव, वेलकम। हाय हाय, वेलकम गाइज, वेलकम। होमी वाडिया सर हमारे साथ में है, अभी आ रहे हैं। सो उनको मैं ब्रॉड पे ले रहा हूँ। यस, ही हैज जस्ट जॉइंड। हाय प्रशांशु, वेलकम गाइज, वेलकम। हाय हाय हाय, केम चू सर? फाइन 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 फाइन। How sweet of you! You gave us a time in such a pandemic situation. It's a pleasure for us that you have come here and you meet my friends and fans. बहुत सारे लोग आपसे मिलने के लिए आए हैं सर यहाँ पर। कुमार इनिश है, क्रिश है, प्रशांशु है, अकील है, हनी सर, बहुत सारे लोग आपसे सवाल पूछना भी चाहते हैं। सबके दिल की ख्वाहिश है आपसे मिलने की, और आज आपसे, आपको सामने देख रहे हैं, बहुत ही खुशी हो रही है सर, स्पेशली मुझे। एब्सोल्युटली म्यूचुअल, बट हमारी तरफ से कुछ ज्यादा ही है सर। आप तो घर पे आराम से बैठे हुए थे सर, हम लोग ने यहाँ पर मेहनत करके सर को मनाया और उनको बोला सर प्लीज आइए हमारे ब्रॉड पे सर, ताकि लोग सर आपसे मिल सके। और यही एक इंटेंशन है, एक अच्छा इंटेंशन, कि आपने इतनी साल का जो निचोड़ है, जो आपने निचोड़ निकाला है ना, उस निचोड़ को बस हमारे ब्रॉड पे ऐसे करके फेंक दीजिए, ताकि लोग उस निचोड़ को अपने साथ रख के आगे बढ़ पाए, लाइफ में सक्सेस हो पाए। आप जैसी आप जिस जिस जगह पे अभी हो, वहां वो लोग भी पहुंच पाए, इसी एम से मैंने आपको इस ब्रॉड पे इन्वाइट किया। ओके, एक्चुअली इसमें निचोड़ जैसी कोई बात नहीं है। एक्चुअली कैसा है कि काम हाथ में लेते हैं हम लोग, उसे छोड़ना नहीं चाहिए बस। मैं तो कई बार क्या होता है कि कुछ लोग बोले यार हाँ मैं ये कर रहा हूँ, एक नाटक कर रहा हूँ या स्ट्रगल कर रहा हूँ, ऐसे नहीं बन रहा यार। लेकिन पापा ने कहा यहाँ जॉब है, कर लेते, जॉब कर लेते हैं लोग। तो मेरा ये मानना है कि गिव सम टाइम, थोड़ा टाइम देना चाहिए। एंड आई एम टेलिंग यू, सक्सेस इज ऑलवेज वेटिंग फॉर यू। यस, और मैंने I'll tell you for example, जब स्कूल में था तो नाटक क्या है, एक्टिंग क्या है, मुझे तो कुछ पता ही नहीं था। फिर मैं जेएनयू कॉलेज में एंटर हुआ और वहां पता चला कि नाटक जैसी कोई चीज होती है, जहाँ पर लोग टिकट खरीद के आते हैं। सिनेमा का सुना था मैंने, सिनेमा में लोग पैसे दे के जाते हैं देखने, लेकिन नाटक में लोग पैसा दे के जाते हैं, वो मैंने पहली बार देखा। जैसे फॉर एग्जाम्पल, एक बार मैं ऐसे ही खड़ा था, संडे का टाइम था, और संडे में तो कैसे है कि संडे को कॉलेज में दोस्तों के साथ मिलते रहते हैं। वो शाम का वक्त था, आई सडनली सॉ हमारा स्टेज का दरवाजा खुला जैन कॉलेज का, और वहां से एक व्यक्ति बाहर आई, एंड सडनली आई सॉ अ ग्रुप ऑफ पीपल रशिंग टुवर्ड्स हिम, सर सर ऑटोग्राफ दो, ऑटोग्राफ दो, ऑटोग्राफ दो। आई सेड ऑटोग्राफ क्या है, क्या, व्हाट इज, बोला नहीं ये बहुत बड़े गुजराती के बहुत बड़े स्टार है नाटक के, डायरेक्टर एक्टर। तो मैंने पूछा क्या नाम क्या है इनका, तो उन्होंने कहा प्रवीण जोशी। एंड आई सेड यार मुझे भी नाटक में काम करना है यार। लेकिन नाटक में काम कैसे करने का,
तो बोला एक ऑडिशन है, आप आइए ऑडिशन में, देखिए क्या होता है। तो वहां एक प्रवीण सोलंकी करके हमारे बहुत बड़े राइटर है हमारे गुजरात में, यस आई नो हिम। तो उन्होंने कहा क्या है तुमने किया है नाटक किया है? तो अभी ये तो नहीं कह सकते नहीं किया है, बोला स्कूल में बहुत किया है। अरे कुछ किया नहीं किया था फिर भी बोलते हैं हाँ किया था। तो लगे क्या किया था बताओ, करके दिखाओ। करके दिखाओ बताया तो अभी क्या करके दिखाने का। हिंदी फिल्म के डायलॉग सब याद आ गया, राजेश कानून के हाथ बहुत लंबे हैं और ये, और तुम क्या समझ रहे, रो मत पुष्पा आई हेट टीयर्स, ऐसा वैसा सब कर डाले। फिर मैंने बोला सर कैसा हुआ? तो बोले हाँ तुम जाओ, बाद तुम्हारा नाम लगेगा बोर्ड पे। मैं गया जाके, नाम ही नहीं था उधर यार। और जब ये मैं कर रहा था ना ये सब पुष्पा आई हेट टीयर्स, तो ऑडियंस में सब तालियां सीटियां बज रही थी। मुझे लगा यार आई एम फैंटास्टिक यार। अभी मैं जाके बैठ गया तो मेरा दोस्त सा बोला तू यहां से हट, मेरे बाजू में नहीं बैठा, लोग तेरे को हुट कर रहे हैं। एनीवे तो दैट वाज माय फर्स्ट एग्जांपल, माय माय फर्स्ट एक्सपीरियंस कि भाई चलो मुझे एक्टिंग करना है। फिर हमारे कॉलेज में सुरेश राजेड़ा करके, अगेन आई वुड से वन ऑफ दोस दिग्गज लोग में से एक है, अ बिग नो बिग उसने बोला नेम कि यस नाटक में काम करेगा, इंटर कॉलेजिएट प्लेस। हाँ बोला हाँ लेकिन गुजराती है। बोला नहीं नहीं मुझे गुजराती में नहीं करना है, मेरी हिंदी खराब हो जाएगी यू नो। बोला भाई की हिंदी खराब हो जाएगी, कर तो सही नाटक में, एक काम तो कर, इंटर कॉलेज ऑफ प्ले है, बंबई की जितनी कॉलेजेस हैं वो सब आएंगे, एंड इट्स कॉल्ड आईएनटी, इंडियन नेशनल थिएटर इंटर कॉलेजिएट कॉम्पिटिशन। ओ यस INT यस 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 सो आई सेड ओके चलो करते हैं। किया एकदम आधे दिल से किया है ना, ठीक है हिंदी गुजराती में करना है, गुजू में क्या बोलने का है। फिर नाटक किया एंड इट केम थर्ड, और हमारे इसमें जो मेन एक्टर था ना उसको फर्स्ट प्राइज मिला था, लेकिन लोगों ने मुझे बहुत अप्रिशिएट किया। ओ तो फिर बाद में उन्हीं इंटर कॉलेजिएट के लड़कों को लेकर INT ने एक प्ले बनाया कॉल्ड वेरी, अरविंद ठक्कर करके, अगेन वन ऑफ द ग्रेट डायरेक्टर्स ऑफ गुजराती थिएटर। और उसमें कास्ट किसको किया, मुझे मेन रोल में कास्ट किया, अच्छा इतना कॉन्फिडेंस है इतना कॉन्फिडेंस है मेन रोल में कास्ट। साथ में कौन कौन था, समीर कक्कर थे, परेश रावल था, महेंद्र जोशी था, शफी इनामदार थे, फिर अरुण दत्ती राव, शंकर नाग, सब बड़े बड़े दिग्गज लोग थे, एंड आई वॉज प्लेइंग द मेन रोल ऑपोजिट अरुण दत्ती राव। एंड ऑफ कोर्स दिस प्ले स्टार्टेड एंड अच्छा गया समय, और मुझे मुझे प्राइज भी मिला था। हमारे जो स्टेट कंपटीशन थी ना सूरत के अंदर, वहां पे हाँ प्राइज मिला था। उसके बाद प्रवीण जोशी ने मुझे इनवाइट किया कि डू अ कमर्शियल प्ले विद मी, अ विलन के रोल, एंड द प्ले नेम वाज मोगराना था। बेसिकली इट वाज बेस्ड ऑन डायल एम फॉर मर्डर, इट वाज अ मूवी, इट वाज अ प्ले आल्सो उसपे, ओके एंड वहां से मेरी एक्टिंग की करियर शुरू हुई। जैसे ये प्ले खत्म हुआ ना मोगराना साहब, प्रवीण मैंने बोला होमी आगे दूसरा प्ले कर रहा हूँ उसमें रोल नहीं है, तो मैंने कहा मुझे बैक स्टेज करना है, ट्रस्ट मी अच्छा आई डिड बैक स्टेज विद अच्छा प्रवीण। हाँ मतलब मेन लीड करने के बाद फिर आपने बैक स्टेज किया मैंने बैक स्टेज किया 3 साल तक, ओ एंड ट्रस्ट मी एक्टिंग करते वक्त तो ठीक है भी लाइक कर लिया, बैक स्टेज में मैं बहुत सीखा हूँ। कैसा है फॉर एग्जाम्पल यू ऑन द बैक स्टेज एंड डोरबेल बजाना है, तो डोरबेल खाली टिंग 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 नहीं बजाने, अकॉर्डिंग टू द मूड ऑफ दैट पर्टिकुलर सीक्वेंस, सपोजिंग कुछ थ्रिलर, व्हाट यू वांट, ओ बेल है ना टिंग, तो दीज आर ऑल यू नो लाइक क्या सर्टेन पॉइंट्स व्हिच वर नॉट अंडरस्टूड अदरवाइज करेक्ट फ्रॉम दैट फ्रॉम द बैक स्टेज। फिर बाद में उन्होंने मुझे सेटिंग में डाला, उन्होंने मुझे लाइट करवाई, हाउ टू डिजाइन द लाइट्स, उन्होंने मेरे पास म्यूजिक करवाया, आई टू ऑपरेट म्यूजिक और बैक स्टेज, वाओ इट वाज अ फैंटास्टिक, सर एंड आई टू डू स्मॉल स्मॉल रोल्स अलोंग विद इट, बिट रोल्स करते रहते छोटा मोटा आया इधर। करेक्ट और करेक्ट ना प्रवीण भाई ऑलवेज बोलते थे कि होमी फील द पल्स ऑफ द ऑडियंस, तो आई वुड से पल्स ऑफ द ऑडियंस क्या है, तो बोला नहीं मैं समझा नहीं सकता हूँ वो, यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट।
ओके क्या है, व्हाट इज पल्स ऑफ द ऑडियंस, पल्स ऑफ द ऑडियंस. आई स्टिल नेवर न्यू. आई फिनिश अदर प्रवीण भाई सडनली ही मेट विद एन एक्सीडेंट, ही पास्ड अवे एंड लाइक वी वर ऑल लॉस्ट, आवर मेंटर वाज गॉन. फिर हम लोगों ने प्ले किया था अपनो तो भाई वो है ना, एक मराठी प्ले था आप लोग वो ऐसा है. वी टुक दैट प्ले टू अफ्रीका एंड वी डिड 32 शोज, लगभग वी आर परफॉर्मिंग एवरी डे, यू समझो. एंड आफ्टर अबाउट 15 शोज आई रियलाइज्ड व्हाट द पल्स ऑफ द ऑडियंस इज. अच्छा, इट्स पल्स में कैसा है कि अगर आप से यू गेट अ लाफ्टर ऑन पर्टिकुलर लाइन, but if you understand the pulse, you understand the rhythm of the audience, you can convert that laughter into a clap. Wow. And this is what, and basically I was still under the training process, you know, like, but ye to actually isko aap experience hi kar sakte ho aur kuch nahi kar sakte, isme aapko kuch samjha nahi sakta hai, khud ke anubhav se hi ye hota hai mere ko. Oh. सर एक सेकंड में आपकी लूंगा, एक सेकंड सर, एक सेकंड गाइज. यहाँ पर ब्रॉड पे जितने भी नए लोग वापस ऐड हुए हैं सबको बता दो कि हम होमी वाड़िया सर से मिल रहे हैं. ये ऐसा नाम है, इस नाम को कभी भी किसी तवज्जो की जरूरत नहीं थी, किसी भी चीज के इंट्रोडक्शन की जरूरत नहीं है. ये उनको अच्छा लगाने के लिए नहीं बोल रहा हूँ ये, लेकिन ये हमने कल भी सुन लिया धर्मेश व्यास के मुंह से. सर आपके आज आने से पहले हमारे लिए कल सरप्राइज ये था कि लोगों लोगों के मन में ये था कि ये कौन है होमी वाड़िया, कौन है कौन है. धर्मेश सर बार बार हर सेंटेंस के बाद होमी वाड़िया का नाम ले रहे. मैं तो जानता था लेकिन फिर मुझे बीच में अनाउंस करना पड़ा धर्मेश भाई को रोक के कि ये जो धर्मेश सर जो बीच बीच में जो होमी वाड़िया सर का नाम बोल रहे हैं ना, वो हमारे साथ कल यहाँ पर हमारे साथ में ब्रॉड पे आएंगे. और ये एक्साइटमेंट हमारे पास कल से है सर. काफी सारे सवाल मुझे आए थे. मैं आपका छोटा सा, मैं जानता हूँ आपका इंट्रोडक्शन एक घंटे अगर हम लेंगे तो भी खत्म नहीं हो पाएगा, लेकिन एक छोटा सा शॉर्टकट में एक इंट्रोडक्शन आपका देना चाहता हूँ सर सबको, अगर आपकी परमिशन हो तो सर. प्लीज गो अहेड. सो ये हमारे जो सर है उन्होंने होमी वाड़िया सर ने, आपने देखा होगा आशिकी मूवी, आशिकी में तो आपने उनको देखा ही होगा क्योंकि ये तो देखते ही पता चल गया होगा पुरानी वाली आशिकी, आशिकी वाली. यस आशिकी वन. साथी मूवी में काम किया था उन्हें. सर मूवी जो बहुत फेमस हुई थी उस टाइम की, नसीरुद्दीन शाह साहब थे, परेश रावल सर थे, क्या मूवी बनाई थी जुनून. ये मतलब ऐसी ऐसी मूवीज में काम किया उन्होंने. करीबन 30 से 40 प्लेज में काम कर चुके हैं जिसमें उन्होंने काफी सारे प्लेज तो उन्होंने डायरेक्ट किए खुद. और जैसा कि हमने कल सुन लिया है कि उनका प्ले डायरेक्ट करने का फॉर्मूला कुछ बिल्कुल अलग है लोगों से. तभी धर्मेश व्यास 4 साल तक उनके साथ फिर बैठा रहा, कुछ नहीं कर रहा, मैं आपको सीखूंगा आपको देखूंगा. उन्होंने इन्होंने धर्मेश व्यास ने ये भी कल बोला कि मैंने उनसे कुछ सीखा ही नहीं, मुझे सब मिला ही है उनसे, उन्होंने मुझे कुछ सिखाया नहीं है कि ये कर धर्मेश ऐसा कर धर्मेश, नहीं मैं उनको देखता गया, उनको मेंटर बना लिया और उसमें से बहुत कुछ सीख लिया मैंने. सो अगर गाइज आप भी जीवन में अगर किसी को मेंटर बनाते हो, किसी चीज में से आप सीखना चाहते हो ना, तो 100% उसके साथ रहिए, तब जाके आप कहीं ना कहीं पहुंच पाएंगे. बहुत सारे क्वेश्चंस भी है मेरे पास. इन्होंने सीरियल्स भी काफी सारे किए, अभी रिसेंटली उन्होंने छुटा छेड़ा वापस शुरू की थी उसमें भी उन्होंने डायरेक्शन किया है. सर मतलब आपकी जर्नी तो एक घंटे में मैं आपके पास से जान लू ऐसा नहीं हो सकता है, बट सर हमें वो सारी चीजें जाननी है. सबसे पहले तो ये सारे ब्रॉड वालों का भी क्वेश्चन है और मेरा खुद का पर्सनल क्वेश्चन भी है जो मैंने आपको आगे पूछा भी था, लेकिन ब्रॉड वाले भी जानना चाहते हैं कि सर ऐसी क्या चीज है जो आपकी आवाज को इतना बेस में रखती है, आवाज सुनना इतना अच्छा लगता है, आंख बंद करके बैठे तो मेडिटेट हो जाता है, ऐसी क्या चीज है सर? नहीं ऐसा कुछ नहीं, बहुत ऑनेस्टली मैं बोल रहा ना, मैं एक्चुअली आई एम बाय बर्थ आई एम अ पारसी. तो जब मैं नया नया आया था ना, तो आई वाज नेवर टॉकिंग लाइक आई नेवर सी स्पीक प्योर गुजराती और प्योर हिंदी, किधर जाता है. That was basically what I was in the initial times, you know. But then after. आप ऐसे बोलते थे, पारसी में बात करते थे सबसे सर? हाँ, माय कहाँ जाए तू? तने को क्यों? Wow. मुझे exercise दिखाई गई थी ओम की. Like everybody, all the actors, mostly most of the actors
are given an exercise of ओम means it's like and increase the resonance and आपके पेट के अंदर जो diaphragm है ना इसको hit होना चाहिए and the diaphragm is a thing that gives your voice a bass not your vocal cord. If you speak from here it is a power speaking. If you speak from here that's the difference of the voice. पेट से yes from the pit from the diaphragm वहाँ पे एक कपड़ा जैसा है नीचे पेट के अंदर वो diaphragm में हमारी आवाज बाउंस होती है एंड देन यू कैन मॉड्यूलेट द टोन ऑफ द वॉइस सो मेरी आवाज इसलिए मॉड्यूलेट नहीं हो रही क्योंकि मैं गले से ट्राई ओम एक्सरसाइज एंड ट्रस्ट मी ओम एंड कीप इट डन यू आर गोइंग फ्रॉम द थ्रोट गो फ्रॉम द स्टमक ऑल राइट अभी थ्रोट में से अभी गले ओ नहीं या रेजोनेंस आएगा आएगा टेक सम टाइम मैं जरूर करूंगा सर ये मैं जरूर करूंगा जरूर करूंगा एक एक भाई है जो हमारे दोस्त हैं हंसल भारमल वो दुबई से हैं रोज हमारे ब्रॉड पे आते हैं और आप आपके बहुत बड़े वाले फैन हैं उन्होंने आपको आई लव यू बोला है गुड इवनिंग बोला है और भी बहुत सारे लोग हैं दम एक बंदे जो है हमारे दोस्त वो बोल रहे हैं सेलर का करके द मोर वी नो अबाउट हिम इज ऑलवेज लेस क्या बात है नाइसली पुट इवन द वॉइस ओवर एक्टर्स आर डूइंग दिस सर पर्सनली मेरा एक क्वेश्चन आपसे है बाकी लोग तो क्वेश्चन मुझे भेजे ही हैं मेरा एक पर्सनल क्वेश्चन आपसे है कि मैं मुझे पता है कि मैं आपको कब से देख रहा हूँ कुछ 15 साल का था तब से मैं आपको देख रहा हूँ यस आप सूरत भी आए थे और मैं पहली बार आपसे मिला भी था मैं तब एक्टिंग में नया नया आया था और मैं तब आपको एक 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 सेलिब्रिटी से मैं मिल रहा हूँ अमिताभ बच्चन थे आप तब मेरे लिए सर जब आप सूरत आए थे जिन्होंने इनवाइट किया था वो नीलाई मेरा दोस्त था और बहुत कम लोगों को बुलाया था और तब क्योंकि होता है ना पहली बार किसी सेलिब्रिटी को देख लेना वाओ इतनी बढ़िया सर इन्होंने फिल्म में काम किया इतने ड्रामा किए वो हमें हमें हमारा सेशन लेने के लिए आ रहे हैं सर मैं ऐसे बैठा हुआ था सॉरी सर मैं ऐसे बैठा हुआ था ऐसे बिल्कुल पहली वाले रूम में यू रिमेम्बर दैट सर यू रिमेम्बर और मुझे बहुत अच्छा लगा था उसके बाद आपने मैंने आपसे नंबर मांगा था और हाउ जेनरस यू आर आपने मुझे नंबर दिया भी आप टच में भी रहे यू नो इतने बड़े लोगों का नंबर मिल जाना ओ वाओ ऐसा हो जाता है बट यू आर सो जेनरस मैं अब ये जानना चाहता हूँ मेरा क्वेश्चन ये है सर इतने साल मुझे हो गए सर इतने साल आपको हो गए सर वो आपकी एज क्या रुक गई है मेरी आप बड़े क्यों नहीं रहे सर I'm 28 only. Literally, I can say, sir, 28 तो नहीं बस सर मैं आपको बता सकता 35 के करीब आप आज भी आपकी एज मुझे लगती है बट सिंसियरली स्पीकिंग उस टाइम की मैंने आपको देखा था आप वही जेनरोसिटी में वही एनर्जी के साथ आज भी आपकी एज वही I can't understand क्या करते हैं सर ऐसा I'll tell you very honestly, Hetal. When you met me for the first time in Surat 15 years back, and he said, "Sir, मुझे acting करनी है," so I said, "बस तेरे dad का business क्या है उधर ही ले, acting मत करो." But you know the best part is that I've been observing your work, and trust me, you have become one of the very good actors in our industry. मैं चढ़ा नहीं रहा हूँ तुम्हारे. It is my honest observation, and you have honestly turned out to be a very good actor. Thank you so much, sir. Thank you so much. It's really a pleasure. Thank you so much. Thank you so much, sir. Thank you. Honestly. It's really kind of you. Yeah, but sir, this is the thing. मैं अपने ब्रॉड पे भी काफी लोगों से बोलता हूँ. क्या मालूम मैंने कहा था मैं एक चीज करने बैठो पकड़ के रहो उसको. And you have done that. You know, and if you अगर तू बोला नहीं नहीं यार पैसा नहीं है मैं जॉब कर लेता हूँ तो you know problem हो जाता था. इनिशियली मैंने स्टार्टेड थिएटर ना मुझे बैंक में जॉब मिली थी ओके चार महीना काम किया दिल नहीं लगा मजा नहीं करना है छोड़ दिया नाटक में ही मुझे जाना तभी पैसे कितने मिल रहे थे 15 रुपया पर शो ओह मैं 10 रुपए का आता था
सिगरेट का पैकेट तक 10 रुपए का था। एनीवे उसके बाद मैंने गोदरेज एंड बॉयज में आई वाज एन एक्साइज ऑफिसर। अभी जमाने में मेरा पे स्केल वाज 300 रुपीस, छोटी सी बात है, समवेयर इन 7 6। और मैंने हेतल एक नाटक के टूर के लिए मैंने जॉब छोड़ दिया कि नहीं मैं टूर करूंगा, मुझे जॉब नहीं करना। मैंने लेफ्ट जॉब, उसके बाद मैंने जॉब नहीं किया। एंड दैट इज व्हाट इट शुड बी, यू नो, योर एक कन्विक्शन होना बहुत जरूरी है, पागलपंती होनी बहुत जरूरी है, दैट शुड बी अ मैडनेस, कीड़ा होना चाहिए अंदर। यस सर, यस सर। मैं भी जब सर ऐसा, मैं छोटी सी एक अपनी बात शेयर करना चाहता हूँ सर, आपके साथ मौका मिला है तो आज मैं ये छोड़ना नहीं चाहता हूँ सर। ऐसा है कि मैं मेरा सर्वाइविंग का सर ऐसा प्रॉब्लम नहीं था कि मुझे सर्वाइविंग का प्रॉब्लम हो, इसी वजह से मैं यहाँ आया था, क्योंकि सूरत में अब कुछ काम रहा नहीं था, फैक्ट्री था वो रेंट पे कर दिया था, सो सोचा कि चलो थिएटर ही करते हैं, यहाँ बम्बई थिएटर करने ही आया था सर। मैं शुक्ला सर के साथ पहले मैंने थिएटर से शुरुआत किया था, उन्होंने चांस भी दिया था, उनके साथ दीपक घीवाला के सामने का एक कैरेक्टर था, मेन लीड कैरेक्टर दिया था उन्होंने, मैं और दीपक घीवाला सर ने, मतलब बहुत बड़ा नाम है, ऐसे मैं नाम ले नहीं सकता उनका, बट वो एक उनके सामने काम करने का, ये ऊपर वाले का आशीर्वाद देखिए सर, मतलब मेरे कर्म कुछ ऐसे थे कि दीपक घीवाला जिसे सर के सामने एक्ट करने को मिल रहा है सर, बिग थिंग, आप समझ सकते हो सर, आप समझ सकते हो इस बात को। True. मैंने 10 से 12 दिन रिहर्सल भी किए थे हम लोग ने, लेकिन फिर वो उन्होंने मुझे चेंज कर दिया था, उन्होंने बोला था कि तुम्हारा बहुत सॉफ्ट फेस है हेतल, तुम डिसअपॉइंट मत होना, हमें थोड़ा हार्ड फेस चाहिए, थोड़ा नेगेटिव कैरेक्टर चाहिए, सो इसी वजह से उन्होंने मुझे रिजेक्ट कर दिया। लेकिन उस टाइम पे मैंने, है ना, ये 10-12 दिन जो रिहर्सल किए ना, उस टाइम पे मैंने ऑडिशन भी देने शुरू किए, पता चला कि यहाँ श्रीजी में ऑडिशन होता है, आरामनगर में ऑडिशन होता है, मारा में ऑडिशन होता है, इन तीन चीजों को, इन तीन जो जगह थी उन जगहों को मैंने अपना मंदिर बना लिया सर। रोज सुबह 10 बजे बैग में पानी बिस्किट ये वो डाल के बस में निकलता था, हर जगह पे जाता था, कुछ 13-14 जगह पे जाता था और 6-7 जगह पे ऑडिशन देता था। मुझे अभी भी याद है, मैं श्रीजी में एक ऑडिशन देने गया था सर, उन्होंने मुझे रिजेक्ट कर दिया था, पहला ही ऑडिशन, और उन्होंने रिजेक्ट कर दिया था, सर आपका लुक नहीं है। तो मैं स्माइल दिया उनको कि सर आपका कुछ ईमेल आईडी हो तो दे दीजिए, तो उन्होंने ईमेल आईडी दिया, जा रहा था मैं, पीछे से एक बंदा भागते हुए आया, अरे सर सर आइए बुला रहे हैं आपको, तो मैं गया उनके पास, तो उन्होंने बोला सर दे दीजिए ऑडिशन दे दीजिए, मैंने ऑडिशन दिया, फिर मैंने उनको पूछा कि सर ऐसा क्या हो, आपने वापस क्यों बुलाया मुझे, आपने तो मना किया था, तो बोले सर आपका लुक तो नहीं था पर आपकी स्माइल अच्छी लगी मुझे, तो मैंने उससे ऑडिशन ले लिया। सो इस चीज को मैंने अपना, मुझे एक चीज याद आई जब तुमने कहा कि वो प्ले कर रहे थे तुम दीपक घीवाला के साथ, हाँ। और बाद में तुम्हें कहा गया कि भैया हार्ड फेस के लिए तुम नहीं चलोगे। यस, जिसमें बाद में करण ने किया था। अच्छा, करण त्रिवेदी ने, त्रिवेदी ने। अच्छा, अभी सेम थिंग मेरे साथ हुआ था, आई टेल यू। कांति मड़िया शायद जो ऑडियंस है उनको शायद पता नहीं होगा, कांति मड़िया वाज आल्सो वन ऑफ द डायरेक्टर प्रोड्यूसर एक्टर, ये तो नाटक को बनाने वाले मेरे ख्याल से कांति मड़िया सर है, मेरे ख्याल से कांति मड़िया है, प्रवीण जोशी थे। यस यस यस, कांति मड़िया के साथ मैंने प्ले किया, एक महीना रिहर्सल किया मैंने, और फाइनल एक महीने के बाद कांति मड़िया बोलते हैं ये पारसी है, इसको नहीं चलेगा, इसको निकाल। वो बहुत मुंह पे बोल देते थे सच में, मेरे काफी लोगों ने, और मुझे निकाल दिया। और हम लोग रिहर्सल है ना टाउन में करते थे नियर आजाद मैदान, तो वहां से बाहर निकला एकदम टोटली ब्रोकन, और वहां पे एक ओवरसीज कम्युनिकेशन टावर है फोर्थ साइड, वहां जाने के ऊपर ऊंची बिल्डिंग थी, वहां देख रहा था टोटल ब्रोकन है ना। अरे ये तेरी बात सुन के ना मुझे मेरी बात याद आ गई कि मेरे पास भी ऐसा, बट सर सच में ऐसा होता है, बट सर मैं पहले से बहुत ही पॉजिटिव था, उन्होंने मुझे बहुत जरा भी डिसअपॉइंट नहीं होने दिया, उमेश शुक्ला सर ने ये बोला कि बेटा कोई भी प्रॉब्लम हो तो मुझे बताना, ऐसा मत समझना कि मैंने तुम्हें निकाल दिया तो यहाँ से तुम निकल जाओगे, नहीं ऐसा नहीं है, तुम अच्छे एक्टर हो, तुम करोगे अच्छा करोगे, लेकिन थोड़ा डिलीबरेटली करते जाना, ठीक है, तुम अच्छे एक्टर हो, रिहर्सल तुम्हारे साथ किया तो पता चला, तो दूसरे एड में या कहीं पर भी तुम्हें दूसरे थिएटर में काम मिलेगा, डोंट वरी, डिसअपॉइंट मत होना, ऐसे उन्होंने बोला। इनफैक्ट मैं आपको बताऊं, तब मेरे मुझे पहचान वाले यहाँ पर, मेरे पहचान वाले कोई नहीं थे,
मुझे मोबाइल लेना था, यहाँ का कार्ड लेना था, तो मुझे वो कार्ड के लिए लाइट बिल चाहिए था, तो लाइट बिल भी उमेश शुक्ला ने दिया। आई स्वेर, मतलब उन्होंने मुझे यहाँ तक बोल दिया था कि हे तो तू अच्छा करेगा, तू यहाँ पर इनफैक्ट अपना खुद का घर भी लेगा। और आज ऊपर वाले के आशीर्वाद से, आपके आशीर्वाद से सर, मेरा अपना खुद का घर है यहाँ पर, फैमिली। Your growth is fantastic. Yes, how sweet of you, sir. How sweet of you. ये आपका आपका बड़प्पन है सर। बाकी आजकल की दुनिया में कौन इतना किसी के बारे में बोलता है सर। आपने इस ग्रोथ पे बोल दिया मेरे लिए, बहुत मतलब अवार्ड के बराबर है ये मेरे लिए। यस सर, आई रिस्पेक्ट यू अलॉट। यस, मैं उसी दिन से आपको बहुत मानता हूँ। ये जब से मैंने ये शुरू किया है ना, ये इंस्टा वाला, मेरे पहले दिन से मेरे माइंड में आप हो कि मुझे होमी सर को तो बुलाना ही है, कैसे भी करके। बीच में मेरे माइंड से वापस निकल भी गया, कुछ लोगों को लाइंड अप कर दिया था, तो इसी वजह से ऊपर मैंने बोला अब तो मुझे इनको बोलना ही पड़ेगा आप मुझे। और साइमल्टेनियसली समझिए ना सर, सोचिए ना, धर्मेश व्यास, होमी सर, दोनों साथ साथ में, और कल आपके बारे में इतनी बात हुई ना, हमने 55 मिनट्स बात की है, लेकिन उसमें से 30 मिनट्स आपके बारे में बात हुई है। पर इसकी शुरुआत धर्मेश धर्मेश था, जब कंप्लीट किया था एक्टिंग का उसका फ्रॉम बरोड़ा, तो सीधा मेरे घर पे आया, बताया, एंड ही स्टेड एट माय हाउस फॉर अ फ्यू डेज एंड देन ही स्टार्टेड हिज ओन लाइफ। बट इट इज इन हिम, उसके अंदर कुछ था, इसलिए आज बना है वो। ऐसा नहीं, मेरे जैसे बहुत सारे असिस्टेंट थे, देयर आर प्लेंटी, इफ यू गिनने जाएंगे 50-60 असिस्टेंट थे, कौन एक या दो ही दिखते हैं, जैसे धर्मेश, फिर मेहुल बुच है, दिलीप राय है, बस बाकी तो कहीं कोई कोई दिखता नहीं है, मगर वो क्या था, इसलिए आज है वहां पे। यस यस, एब्सोल्युटली राइट सर, होना चाहिए। जैसे एक बिली टेल मी सर, एक सवाल ऐसा भी है, लोगों ने पूछा था कि एड है, फिल्म है, सीरियल है, वेब सीरीज है, आप सबने आपने सब किया हुआ है, थिएटर किया हुआ है सर, इसमें से आपको कौन सी वो चीज है जो टच कर जाती है? मुझे ये जब मैं करता हूँ ना, तो मुझे बहुत टच करती है, जैसे एड होती है, सो मैं एड जब भी करता हूँ ना, मैं टच्ड रहता हूँ, मुझे मतलब 300 एड करने के बाद भी सर, आज जब 301 एड करता हूँ, तो मुझे ऐसा लगता है, जैसे कल ही मैंने एक एड शूट यहाँ घर से किया सर, सो वो जब हम करते हैं ना, तो वही एक एनर्जी रहती है, पहली ऐड करने वाली एनर्जी। आपको ऐसा क्या है जो टच करता है? मैं सच बोल रहा हूँ, मैंने मेरा करियर एज एन एक्टर स्टार्ट किया था, और एक्टर्स देखते, मैंने आसपास के एक्टर्स को देख के मैंने देखा यार ये इनसिक्योरिटी है यार, एक्टर्स को तो काम मांग के जाना पड़ता था। करेक्ट, आज भी ऐसा ही है। तो मैंने कहा यार मैं डायरेक्टर भी बन जाता हूँ, डायरेक्टर अगेन प्रोड्यूसर के पास तो जाता ही, सर काम दो ना, तो मैं प्रोड्यूसर ऑफ थिएटर में, थिएटर एंड देन 93 में आई मेट एकता, और तभी एकता वॉज नवी बालाजी, वॉज नॉट बालाजी, इट वॉज एकता बालाजी टेलीफिल्म, तो डू अ हॉरर फॉर मी, कैन यू डू अ हॉरर, एंड आई डू मानो या ना मानो करके मैंने इनकी पहली सीरियल बनाई थी। वाओ, एंड उसके बाद मुझे जी वालों ने बोला आप क्यों खुद प्रोड्यूस नहीं करते, सो आई डिड फिलिप्स टॉप 10, देन आई डिड शपथ, देन आई डिड एग्जोन, थ्रिलर एट 10, सैटरडे सस्पेंस, ये सब करते गए मैं। वाओ सर, वाओ, वाओ, तुमने कहा ना कि आफ्टर आई स्टार्टेड डायरेक्टिंग, मुझे ऐसा लगता है कि डायरेक्शन गिव्स मी अ किक rather than acting or producing. Oh, wow. Because actor को मेहनत बहुत करनी पड़ती है, डायरेक्टर के दिमाग में होता है भैया मेरा ये शॉट है, ये शॉट है लेना, फिर एक्टर का पहले करवाने का गब्बा, ये निकालना, ये मूड निकालना, कैमरा के सामने ज्यादा मेहनत नहीं करता, टुडे ट्रस्ट मी, आज अगर मुझे कोई बोलेगा एक्टिंग करेगा कि डायरेक्ट करेगा, तो आई से आई डायरेक्ट, आई स्टिल प्रेफर डायरेक्ट। तो ये ज्यादा टफ नहीं लग रहा है? एक्टर का काम है अपना खुद का कैरेक्टर रेडी करना और कंप्लीट कर देना, लेकिन डायरेक्टर का काम यार म्यूजिक भी देखो, डायरेक्शन भी करो, वो एक एक्टर बहुत बकवास जो एक्टिंग नहीं कर पा रहा उसको सिखाओ भी, और वो नहीं सिखाने का, मैं एक एग्जांपल देता हूँ,
मुझे कैरेक्टर दो कैरेक्टर मिले थे, आधे पन्ने का सीन था, हाय हेलो कैसे हो, हाँ कैसे हो, ये ब्ला ब्ला, इलेक्ट्रिशियन बोलता ही नहीं था, वो इलेक्ट्रिशियन बोलता था। तो बोला अच्छा, बोला हाथ मिलाओ, हाय हाय हेलो, टर्न हो जाओ एंड स्टार्ट वॉकिंग टुवर्ड्स दैट हाउस, और मैंने शॉट बैक और पूरा सीन मैंने डब कर लिया, और लास्ट के अंदर ओके थैंक यू वेरी मच खत्म। सिखाने का नहीं, टाइम वेस्ट, टाइम वेस्ट करने का ही नहीं। एंड इफ देयर आर गुड एक्टर्स ना, इफ यू हैव गुड एक्टर्स, सो यू जस्ट हैव टू से कि बस थोड़ा टोन चेंज करना एंड दे डू इट इमीडिएटली। यस करेक्ट, एंड यू फील, ट्रस्ट मी, डायरेक्शन गिव्स मी अ किक, लाइक फॉर यू, यू सेड एड फिल्म किक देता है, आई प्रेफर डायरेक्शन। हाउ स्वीट, हाउ स्वीट, मुझे यही उम्मीद थी सर कि आप यही बोलेंगे। सर ये इतना बॉलीवुड में इतना काम किया आपने सर, इतने थिएटर किए, थिएटर को भी आप बाहर लेके गए, वहां अब्रॉड भी लेके गए, वहां पर भी थिएटर किया आपने, सर कभी आपको ख्याल नहीं आया कि मुझे हॉलीवुड में भी थोड़ा कुछ करना चाहिए, या आपने कुछ किया हो तो मुझे पता नहीं है? नहीं जरा भी नहीं, जरा भी नहीं। यू हैव टू रिमेन इन योर लिमिट्स। हॉलीवुड बहुत बड़ी आगे की बात है, अपने को ज्यादा घुसने का नहीं, उसमें हॉलीवुड में अपना कुछ नहीं होना। वैसा अपने को बॉलीवुड में तकलीफ होती है, हॉलीवुड में क्या होगा तुम्हारा? This is called your generosity. मैंने लास्ट फिल्म की थी संजीला बंसाली के साथ, रामलीला। रामलीला, ओह यस, आप रामलीला में भी थे? यस यस, सॉरी आई फॉरगॉट। एंड ट्रस्ट मी, एंड यू वर सच अ स्वीट मैन, एंड ही न्यू, मे बी ही न्यू माय बैकग्राउंड इन थिएटर एंड ऑल, ही सेड होमी थोड़ा आई लाइक लाउड एक्टिंग, यस। और मैंने एक सीन किया, फिर मैंने बोला जरा मुझे रिप्लेस कर दो ना यार, मुझे नहीं। संजय भाई क्या मुझे अभी ना श्रम लगता है, अनलेस आई एम डायरेक्टिंग इट्स ओके, ऐसा जरा एनर्जी लाओ ना, एनर्जी सामने वाले डायरेक्टर्स कुछ होते हैं ऐसा, कैसे जरा एनर्जी लाओ, बोले मेरे पास नहीं है एनर्जी, क्योंकि मोस्ट ऑफ मैंने किए सीरियल्स किए जहाँ एक्टिंग की है मैंने, मैंने डायरेक्ट किया है, एंड आई टेल माय सेल्फ होमी एनर्जी ला, मैं कर लेता हूँ। एक आता है बोला सर जरा एनर्जी क्ला, सर यू नो दैट ओके, सर तो नहीं होता मेरे को। सर सलील पटेल करके आपके कोई फैन है, वो पूछ रहे हैं कि गुजराती मूवी आप करो करो ना, उसमें डायरेक्शन नहीं करोगे? हाँ गुजराती, बस कैसा होता है एक मेरा थोड़ा है ना, I don't like, I don't know how to sell products. मैं एक वन लाइन कह देता हूँ, मेरा ऐसी वन लाइन है। तब एक सूरत से दो भाई लोग आए थे, भाई हमें भाई प्रोड्यूस करने का है अपने को पिक्चर, रहा ओके, मैंने एक स्टोरी सुनाया इनको, अच्छा अपन एक हफ्ते में बात करते, कितने में बनाओगे? बोले वन अंडर वन मेकिंग कॉस्ट हो जाएगा वन सीयर। एक हफ्ते का इनका फोन आया, हमें भाई हम लोग डिटेक्टिव सीरियल, डिटेक्टिव फिल्म क्यों नहीं बनाते? बोला मतलब क्या? मैं मेन डिटेक्टिव, मेरा भाई मेरा असिस्टेंट डिटेक्टिव। फिर काफी ऐसी बहुत चीजें हुई है, तो उसमें आपकी मेहनत भी बढ़ जाती होगी सर, तो आपको नहीं लगता है कि अगर थोड़ा बहुत 19-20 करके अब उसी को पैसा डालना है, उसी को अपने लिए बनाना है, तो वो आपके पास नहीं तो किसी और के पास जाके बनाएगा? लेकिन नहीं बनाया ना, किसी ने बनाया नहीं, और मेरा इतना भी मानना है कि अगर कोई आदमी पैसा डालता है, मैंने एक चीज देखा है कि काफी लोग आते हैं अरे एक पिक्चर बनाते हैं वापस आते ही नहीं, दे डोंट लुक एट द सिनेमा सीन एट ऑल, दे जस्ट रन अवे बिकॉज़ दे गो इन अ लॉस, एक्सपेंसेस इतने ओवर होते हैं। So I believe in economy and a quality of product. Wow. मैं कहता हूँ कि फिर वो आदमी पैसा डाले और लूटना नहीं है उन लोगों को, बस करना है तो करते हैं सिंसियरली। और इनडायरेक्टली सर आपका नाम भी खराब होता है ना, एक होमी वाले ने अपना स्टेटस बनाया हुआ है और ऐसा काम किया है, ऐसा नहीं होना चाहिए। I know, मेरे और ऐसे दो दो, दो भाई लोग एक्टिंग करे कैसा लगे बस, तुम मेरे को बोलो। शायद ये लोग देव अभी बोर्ड में होंगे शायद, आई डोंट नो, मैं देव
बिग पीपल इन सूरत। सर बहुत सारे अपने फ्रेंड्स लोग यहाँ पर मौजूद है, प्रतीक है, प्रतीक ने आपके बहुत सारे प्ले भी देखे यूट्यूब पर, देवांशी है, धारा जानी मेरी बहुत अच्छी दोस्त है, देवांशी ने तो मेरे साथ काम किया है, देवांशी सोमैया, यस देवांशी थैंक यू सो मच फॉर कमिंग आवर ब्रॉड, धारा जानी हियर, धारा थैंक यू सो मच फॉर कमिंग, सो स्वीट, सलील भाई थैंक यू, फैनिल बोल रहे हैं सर मैं एक बच्चा हूँ किड हूँ बट आई लव यू सो मच, वाओ थैंक यू सो मच, वो नहीं पता है। काजल बोल रही है, काजल भी हमारे साथ में है, सहेली राजपुरा है, सर कोई न्यू शो का काम चालू करिए, आई एम मिसिंग वर्किंग विथ यू सर, सहेली राजपुरे, सहेली डज कॉस्ट्यूम्स फॉर अस, वाओ शैली वेलकम, थैंक यू सो मच गाइज, इस ब्रॉड पे जितने भी लोग हैं हमारे, मैं आपको बता देता हूँ जो नए लोग आए उनके लिए भी बता देता हूँ, हमारे साथ होमी वारिया सर है, he's a name, उनको इंट्रोडक्शन की जरूरत नहीं है, जो भी गाइज लोग यहाँ पर है फॉलो कर दीजिए उनको, वहां पर है मुझे फॉलो कर दीजिए जिन्होंने नहीं किया है, और ऐसे ही आप लोग हमारे ब्रॉड पे रहिए, अपने कुछ क्वेश्चन हो तो पूछ सकते हैं। हेलो सर बोल रही है देवांशी, हेलो वेलकम, फैनिल ने भी आपके साथ काम किया है, फैनिल शाह बोल रहे हैं मैंने आपके साथ काम किया हुआ, यस फैनिल आई नो, यस थैंक यू सो मच गाइस फॉर कमिंग ऑन आवर ब्रॉड, सर आपका आपका फेवरेट एक्टर, आपका फेवरेट एक्टर फेवरेट डायरेक्टर कौन है सर? मेरे मुझे इन माय टाइम्स महेश भट्ट वाज माय गुड फेवरेट डायरेक्टर, आज के जमाने में संजय भाई, संजय लीला भंसाली, बट सर ये कहीं ना कहीं जरूरी भी है, अगर इतना बड़ा तामझाम लेके बैठे हैं, इतनी बड़ी फिल्म बना रहे हैं, और वो तो फिल्म बनाते तो मतलब वो बनाते ही चले जाते हैं, वो ऐसी फिल्में बनाते हैं सर, वो तो देखना तो ऐसा I'll tell you one thing, कि there was one sequence where 300-400 गोलियां छूट रही है, I'm talking about Ramlila. तो रिहर्सल कर रहे थे हम लोग, तो रिहर्सल में उन्होंने ब्लैंक्स फायरिंग कराई, can you believe this? Normally क्या होता है, हम लोग आवाज देते हैं ना, फुट आठा आठा आठा, नहीं उन्होंने बोला सर क्यों, नहीं नहीं एक्टर को फील मिलता है, दिस इज फैंटास्टिक, हु डज दिस, एब्सोल्युटली सर, सर सर अपनी लाइफ का कोई ऐसा इंसिडेंट बताया ना जो ऐसा इंटरेस्टिंग हो, शूटिंग का या थिएटर का ऐसा कोई इंसिडेंट, या ऐसा कोई एक्टर हो जिन्होंने आपको बहुत परेशान किया हो एक्टिंग के टाइम पे, आपने डायरेक्शन करना, ऐसा कोई भी इंसिडेंट याद करके, ऐसा कुछ एक्टर को ऐसा परेशान करता ऐसा है नहीं, लेकिन काफी ऐसे सीन मोमेंट्स हुए हैं ऐसे, जैसे कि एक बार मैं एक प्ले कर रहा था शुक्र मंगल करके, उसमें एक ड्रामेटिक सीक्वेंस होता है, बाहर से बुलेट फायर होती है, था, 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 एक मेरी उसके साथ मैं लड़की का मेरा अफेयर था, उसने फायरिंग किया है, मैं अपनी वाइफ के साथ घर में बैठा एंड सन्नाटा हो जाता है, एंड माय वाइफ कम्स एंड गिव्स मी कॉफी एंड आई एम ड्रिंकिंग कॉफी, और उसके बाद पूरा सीन था थोड़ा दो तीन पन्ने का, जब मैं कॉफी पी रहा था तो ऑडियो से आवाज आई खाली छे, तो आई डिड नॉट रिएक्ट, मैंने रिएक्ट नहीं किया, मेरा पूरा सीन कंप्लीट हुआ, जैसा सीन कंप्लीट हुआ मैंने वाला पूरा कॉफी का कप मैंने एस्ट्रे में खाली करके दिखा दिया, एंड पब्लिक स्टार्टेड क्लैपिंग, क्या बात है, इसको कहते हैं इम्प्रोवाइजेशन, क्या बात है, इन वन सीक्वेंस इन रमत सिंह चौकड़ी करके नाटक था, उसमें मैं फोन उठा था और फोन का केबल टूट गया, लैंडलाइन था तभी, उठाया टूट गया, लेकिन अगर मैं डर जाता तो पब्लिक में से रिएक्शन आता था, हाँ हाँ हाँ, लेकिन मैंने विदाउट गेटिंग स्केयर मैंने सिर्फ ड्रामेटिकली वो सीन कर दिया, पब्लिक ने एक रिस्पांस नहीं दिया कि केबल टूट गया ऐसे सीन कैसे किया, ये तो कन्विंस ऑडियंस के भाई मैंने कर दिया, यस कर दिया है, यस 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 राइट, और अगर आप कहीं वहीं वहां कहीं रुक गए तो आप खत्म, आप एक्टर नहीं, अगर कहीं आप रुक गए वहां पर तो खत्म, आप एक्टर नहीं, आई नो सर, मेनी सर इंसिडेंसेस, लेकिन बहुत फनी फनी इंसिडेंसेस है, वो काम करने का एक जज्बा भी अलग रहता है ना सर, वो जब आप शूट सर आप डायरेक्शन करने के टाइम पे ऐसा ऐसा कुछ भी होता है कि आपके सामने समझ लो कि कोई चार लोग बैठे हुए हैं जो मीटिंग करने आए हैं, एक बंदा बोलता है कि सर मुझे एक लव स्टोरी पे बनाना है, दूसरे बंदे के पास स्क्रिप्ट है थ्रिलर है, उसको सस्पेंस थ्रिलर बनाना है,
और एक बंदे के पास है कि उसको बनाना है कि एक तीसरा सीक्वेंस कोई भी होगा, तो सर ये तीनों में से आप क्या चूज करोगे सर? मैं थ्रिलर चूज करूंगा जिसमें आपकी बहुत जबरदस्त मास्टरी है ऐसा मुझे लोगों ने बताया। क्यों है मालूम है? क्यों सर? नो ऑफेंस टू एनी एक्टर एंड ऑल, थ्रिलर में क्या है, लाइट्स है, म्यूजिक है, कैमरा मूवमेंट है, 70% ऑफ योर वर्क इज सॉल्व थ्रू दैट। मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ, आई वॉज डूइंग अ प्ले और वो एक्टर बहुत वीक था, वीक एक्टर, उसको रोना था एंड आई न्यू के नहीं रो पाएगा, तो जैसा उसका रोने का आया डायलॉग आया कि मैं जब वहां गया मैंने म्यूजिक इंट्रोड्यूस किया और स्लोली फ्रंटल लाइट निकाल के उसको सिलेट में रख दिया मैंने एंड क्लैपिंग आता था। इट इज इजियर जहां पे अगर डायरेक्टर के हाथ में कुछ है नहीं, अगर सोशल है, वो एक्टर को परफॉर्म करना ही पड़ेगा। क्या है, हमने इमोशनल हो गया, मूवमेंट दे दिया, कैमरा घुमा था, पीछे से लाइट निकल दिया, मूवमेंट निकल जाते। नो ऑफेंस टू एक्टर्स सर, तो वो एक्टर बोलते नहीं है आपको कि अरे सर मुझे अगर आप बता दो तो मैं वही सबसे करता, मुझे बताना चाहिए, या आप पहले उनको बता देते कि मुझे ऐसा चाहिए, अगर वो नहीं दे पाते तो आप नहीं। सी ऑल्सो ना, आई ऑल्सो बिलीव इन टाइम फैक्टर, कि अगर मैं एक सीन कर रहा हूँ, मैं सीन 6 दिन नहीं शूट करूंगा, मुझे ये सीन 2 घंटे में कंप्लीट करना है। सो आई टेल द एक्टर, गुड एक्टर परफॉर्म, गुड एक्टर परफॉर्म, अरे तेरे को लूंगा तो तू परफॉर्म करेगा, मेरे को मालूम। हाउ स्वीट, हाउ स्वीट ऑफ यू, हाउ स्वीट ऑफ यू, सो जेनरस यार। सर मुझे कई लोगों ने बताया कि जैसे कल धर्मेश्वर को भी मैंने पूछा था कि सर ऐसा क्या राज है जो आप, मतलब कि आप अपने घर, एक सेकंड मैं जरा, हाँ कंटिन्यू कंटिन्यू, यू आर सेइंग समथिंग। हाँ सो धर्मेश्वर व्यास को भी मैंने पूछा था, सर को भी, तो वॉल्यूम क्यों कम हो गया सर? उधर से कम हुआ होगा, यहाँ से कम नहीं हुआ है सर। आई थिंक आई वाज एक्सपेक्टिंग अ कॉल, सो ओके अभी आएगा सर आवाज, अभी आएगा, अभी क्लियर आएगा, आ रहा है अभी? लो अभी आ रहा है, ठीक है, लो आ रहा है। But can you hear? एक कॉल जरा कर लेता हूँ, just if you don't mind, you can talk, I can talk with you. कर लीजिए, कर लीजिए, कर लीजिए, कोई बात नहीं। So guys, guys, मैं आप लोगों को सर जरा फोन पे जरा एक बार मैं आपको फिर से बता दूं कि अपना कोई क्वेश्चन हो ना तो आप क्वेश्चन रख ली। He is fun to work with. Thank you, Devanshi. Thank you so much. It's really nice meeting you guys. Thank you so much, Parthiv. पार्थिव थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। यस मैंने आपकी बात पहुंचा दी है सर को और मैंने उनको बता भी दिया है कि आप सर काफी लोग बता रहे हैं कि डंक डंक करके प्ले था आपका, क्या नाम था, डंक था क्या था, उसमें भी इन लोगों ने काम किया है। सो वो लोग भी यहाँ पर मौजूद है, वो लोग यहाँ पर बोल रहे हैं कि हम लोगों ने भी इनके साथ काम किया है। सो गाइज सबका बहुत स्वागत है। धारा थैंक यू सो मच फॉर कमिंग, यू आर अमेजिंग, थैंक यू गाइज। एंड हाँ सर को मैं ये पूछ रहा था, पार्थिव बोल रहा था कि डंक द थ्रिलर था। यस मैं आपको क्या पूछ रहा था, सॉरी मैं भूल गया सर। मैंने भी डिस्टर्ब कर दिया। हाँ धर्मेश, नहीं नहीं इट्स ओके हाँ याद आया, धर्मेश सर को मैंने कल पूछा था कि ऐसा क्या है आपके गले में अंदर, क्या आपने माइक्रोफोन्स रखे हुए हैं जिससे आवाज आपकी इतनी जबरदस्त आती है, ये क्या ऐसा है? तो उन्होंने बताया था कि वो तो क्या है कि सिगरेट पीना चाहिए, सिगरेट पीने से हो जाता है ऐसा, ऐसा उन्होंने बताया। इज दिस करेक्ट आंसर? नहीं, मैंने बोला वो एक्सरसाइज करो, उससे पूरा होगा, सिगरेट से कुछ नहीं होता। इनफैक्ट देखा है कि जितने लोग बहुत सिगरेट पीते उनकी आवाज बैठ जाती है। पर आई स्मोक अ लॉट ऑफ सिगरेट्स एवरी डे, मेरी तो बगैर बैठे आवाज बैठी हुई है सर, बगैर। कैसी गलत कहानियां होती है लोगों में सर। रियली नाइस मीटिंग है सर, बहुत अच्छा लगा मुझे सर आपने। आई आल्सो एंजॉय सर, यू एंजॉय सर? नहीं सर नहीं, अभी है हमारे पास सर, एक है हमारे पास 10 मिनट है, 10-15 मिनट बात कर सकते हैं। हां ये एक्चुअली एकदम वॉइस एकदम लो हो गया है यार, आई डोंट नो व्हाई, मे बी आई गॉट अ कॉल दैट्स व्हाई, मे बी हो सकता है। पर वो जो राइट साइड का जो बटन है ना आपका वॉल्यूम का, वो थोड़ा बढ़ा दीजिए ना वापस, तो फुल हो, फुल है वॉल्यूम, वो फुल है, वो फुल है। हां कोई बात नहीं, चलो आई कैन हियर, थोड़ा लो वैसे, करेक्ट
सो सर मैं ये मैं बोल रहा था कि कहाँ से शुरू हुआ था ये होमी वाड़िया, कहाँ से आया है? बंबई से ही है, तो वो ऐसा क्या उसके अंदर आया कि मुझे थिएटर करना है? और कौन सा वो ईयर था जहां से आपने शुरू किया था? तो क्या स्ट्रगल बहुत करना पड़ा आपको इस फील्ड में आने के लिए? स्ट्रगल तो मैंने कहा ना कि आई जस्ट वेंट विद द ब्रीज, विद द विंड, यू नो, आई जस्ट केप्ट ऑन मूविंग, और कुछ जो मिलता था मैं करते जाता था. और और सर आप नाटक यहीं से करने हो, का, बंबई से ही हो? सॉरी, आप बंबई से ही हो? मैं आप बॉम्बे से हूँ, बंबई आई वॉज से? बॉर्न इन बॉम्बे, बट ओके माई रूट्स आर इन गुजरात, लाइक बिल्लीमोरा नियर सूरत. ओके हमें कल सर पता चला, हाँ सॉरी सर बताइए, कोई बात नहीं। हाँ बोलो, पता क्या चला? आपने आपने कल कल मुझे हमें ये भी पता चला था कि आपने सूरत में मल्हार ग्रुप के साथ भी आपने कुछ प्लेस किए थे। मैंने किया था, यस, अच्छा एक्टिंग्स मैंने ओके किया था. अच्छा मल्हार, अच्छा अच्छा मल्हार वाज अ, दे शुड डू शोज ना. हाँ अब सोनल कुलकर्णी और अपने ज्योति भाई का ग्रुप था, यस ज्योति काका का यस ग्रुप था। यस 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 ज्योति, वो यस मल्हार, अच्छा यस अच्छा ज्योति भाई का, ज्योति वो भाई, उनके लिए कंपटीशन के लिए मैं आता था, वो जो म्यूनिसिपल अच्छा कंपटीशंस होते थे ना, उसके लिए, बिकॉज ज्योति भाई यूज्ड टू राइट माय प्लेज, ओ अच्छा मोस्ट ऑफ माय प्लेज ज्योति भाई हैज रिटन. यस। तो सर माय क्वेश्चन इज कि ये होमी वाड़िया अगर एक्टर नहीं होते तो क्या होते हैं? शायद बैंक में क्लर्क होता, पॉसिबल, शायद, और बिकॉज कोई हॉबी थी नहीं सर आपकी? नहीं, मैं फोटोग्राफी, पहले बिफोर आई डिड स्टार्टेड थिएटर, आई शुड डू अ लॉट ऑफ फोटोग्राफी, ओके और मुझे फोटोग्राफी में काफी दिलचस्पी थी. आई शुड बाय एक्सपेंसिव कैमरास, और फिर बाद में अचानक पता नहीं क्या हो गया, आई शुड, शादी के फोटोग्राफ बहुत निकालता था उस जमाने में, घर में डेवलपिंग प्रोसेसिंग सब मैं ही करता था अंदर. वाह एंड बाद में जब एक्टर्स लोग का टाइम आया था, आई शुड डू द शूटिंग फॉर एक्ट्रेसेस एंड उनका पोर्टफोलियो बनाता था मैं. लेकिन पता नहीं, जैसा एक्टिंग शुरू किया ना, गुजराती थिएटर में आया, मैंने छोड़ दिया. देन सेड कि नाटक में काम करने का रीजन तो मैंने स्टार्टिंग में ही बताया कि मैं जब कॉलेज गया था, तब मैंने एक एक व्यक्ति को देखा कि अरे, इसको ऑटोग्राफ लेते, बोले कौन ही है, बोले ये प्रवीण जोशी है, बहुत बड़ा एक्टर है, डायरेक्टर है, तो बोला मुझे भी नाटक में काम करना है. सो दैट वॉज माई इनिशियल थिंग. क्या डर नहीं लगा सर पहली बार? डर ऐसा पहली बार स्टेज पे मैं पहली बार जब मैं जाऊं, स्टेज पे गया, मतलब सब, एवरीथिंग वॉज लाइक, कुछ दिखता ही नहीं था सामने. फर्स्ट, अंधेरा हो मतलब गया। फर्स्ट जब मैंने वो कॉलेज का प्ले, इंटर कॉलेज प्ले किया था ना, हाँ मैंने हाँ करा हाँ था, वहां पे मैं एंटर हुआ ना, एवरीथिंग वॉज लाइक, मतलब जैसा पानी के वेव दिख रहा था मुझे ना, इतना मैं डर गया था. बट डायलॉग्स तो याद किए हुए थे, सब बोल के निकल गए थे. वाह बिजल स्टार्टिंग में तो होता ही है, डर जोशी, लगता है, सब बिजल सामने सब चैटी जोशी जैसा जी, दिखता था. अच्छा बिजल जोशी जी हैं हमारे साथ। हाँ, मैंने देखा. वाह यस आई एम निखिल परमार, वेलकम गाइस। देवांशी भी हमारे साथ अभी भी मौजूद है। सर ये प्यार है इन लोग का कि मतलब ये आपके प्रति प्यार है कि ये ब्रॉड छोड़ के जाना नहीं चाहता है कोई। सोचिए सर बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात, बहुत बड़ी बात। सो नाइस. आई लाइक योर सीरियल चीक। ओके यस यस बिजल जोशी आपकी बहुत बड़ी फैन है बोल रही है, मैं बहुत, इट्स अरे, फन बिजल वर्किंग वाज विद माय यू। पार्टनर इन चीक, ओह यस शी बिजल, वेलकम वेलकम वाज हाफ बिजल। प्रोड्यूसर, देन शी बिकेम एन एक्ट्रेस, लेडी स्पेशल में बहुत बड़ी स्टार बन गई थी. यस यस आई नो हर, आई रियली नो हर वेरी वेल, मैं उनको जानता हूँ अच्छे से। यस 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 और ये बिजल जी हमारा सौभाग्य है कि आप हमारे ब्रॉड पे आए। प्लीज अगर आपने हमें फॉलो नहीं किया तो कर लीजिएगा, हम आपके साथ कनेक्ट भी रहेंगे। सर अगर कल कोई आए आपके पास कि एड, क्योंकि एड में ना बहुत पेशेंस चाहिए, सो क्योंकि एड वाले ना एक ही टेक को 30 30 40 40 बार लेते हैं, ये एंगल से, इधर से उधर से, पीछे से ऊपर से नीचे से, सब जगह से ले लेते हैं, इतना इतना लेते हैं, इतना लेते हैं कि वो इंसान पहले टेक में क्या किया था भूल जाता है। बहुत पेशेंस चाहिए होता है सर। और अगर आपको कोई बोले कि सर आपको एक एड शूट करना है तो आप सर कर पाओगे? मैं कर लूंगा, ऐसा कुछ नहीं, तो कर रहे हैं, कुछ ऐड में कुछ होता है, लेकिन सर मैं एज एन एक्टर पूछ रहा हूँ सर, एज एन डायरेक्शन एक्टर, नहीं, आई एज नो, एन एक्टर। कर लेंगे, लोग बोलेंगे ये शॉट लेंगे, वो शॉट, लेकिन पहला शॉट ही ऑलवेज लगता है.
करेक्ट करेक्ट मैं कर सर तो सर मतलब मैं समझ सकता, मैं ये मान लूं कि आप में इतना पेशेंस है, मतलब कि आप यस जैसे संजय भाई के साथ रामलीला की थी ना हम लोगों ने, हाँ सीन फॉर 3 डेज, 3 दिन लगते थे एक सीन करने, क्या बात कर रहे हो। सो पेशेंस तो भरपूर है मुझमें, वो होना भी चाहिए हर एक्टर में सर, हर एक्टर में होना भी चाहिए, हर एक्टर में होना भी चाहिए सर। देख पेशेंस के बगैर नथिंग इज इम्पॉसिबल फॉर सर। हाउ स्वीट ऑफ यू रियली सर, बट ये एज का राज हमें कुछ बताइए सर, आप ऐसा क्या करते हो जिससे आपकी एज अटक गई है, रुक गई है, ऐसा लग रहा है, क्या ऐसा करते हो सर? योगा वोगा करते हो, मेडिटेशन करते हो, क्या करते कुछ हो भी सर? खाता हूँ, फिरता हूँ, घूमता हूँ, एक्सरसाइज भी नहीं करता हूँ। क्या बात है सर, पता नहीं है सर, शायद इट्स आई थिंक इट इज अ माइंड, यू हैव टू कीप योर माइंड एक्टिव। यस यस यस। अरे दूसरा कैसा है कि एज यू ग्रो ओल्ड, आई स्टिल रिमेम्बर, मैंने ज्योति भाई की बात की थी, पता है जो मेरे राइटर है सूरत के, आपके राइटर एक सूरत रोज में ज्योति बॉम्बे भाई, आए, एक रोज बॉम्बे आए मेरे घर पे, हाथ में लाठी लेके, शी वाज कैरिंग अ स्टिक। आई से ज्योति भाई ये क्या है? कि नहीं, सोनल बोलती है उसकी बेटी कि तुम गिर जाओगे, ये ही स्टेड विद मी 1 वीक, और 1 वीक के बाद जब वापस गए ना तो लकड़ी वगैरह सब निकाल दिया था। सो उनके अच्छा, माइंड से सब निकल, मेरे यहाँ कैसा है कि नॉर्मली है ना, फैमिली जो होती है ना वो बोलती है अरे यू आर ग्रोइंग ओल्ड, डोंट डू दिस, बैठ जाओ, नहीं नहीं वो मत करो, ये मत करो, तो उसमें साइकोलॉजिकली यू गो, यू वॉक योर सेल्फ, या ओके मुझे कुछ ओके कहने ओके वाला है नहीं, मैं बोलता यस हूँ 28 years old, कोई कुछ तो नहीं कर सकता। सो आई थिंक इट्स द माइंड व्हिच कीप्स यू यंग, द डे यू डिसाइड। जैसे मेरा एक प्रोडक्शन का आदमी था, नाइस स्मार्ट गाय था, घूमता था, सफेद कपड़े पहनता था, व्हाइट पैंट, व्हाइट शर्ट, व्हाइट शूज, सब। वन डे सडनली कम्स इन अ कुर्ता पैजामा, दाढ़ी बढ़ा दिया, वाला क्या? बोला नहीं अभी अल्लाह का नाम लो, तो घर वाले बोलते अल्लाह का नाम तो अभी उम्र हो गई। ये नहीं होना चाहिए, डोंट गिव अप, इफ यू गिव अप देन एवरीथिंग इज ओवर। Everything is over. Yes, correct, correct, correct. Because आप लोगों के माइंड को तो नहीं बदल सकते हो ना, अपने माइंड को आप चेंज कर सकते हो, आपका परसेप्शन होना चाहिए चीजों को, कैसे देखना चाहिए, पॉजिटिव देखो या नेगेटिव देखो। अगर आप पॉजिटिव देखोगे तो उतना आपको फायदा होगा, अगर नेगेटिव देखने जाओगे तो ऑटोमेटिक सब कुछ सामने नेगेटिव लग जाएगा। जैसा अभी लॉकडाउन के अंदर हो ही रहा है, अरे यार अभी क्या करें, कुछ हो नहीं रहा है यार। इफ यू आर नॉट एक्टिव ना, योर माइंड इज नॉट एक्टिव ना, इट बॉक्स यू डाउन पूरा। yes, एकदम ऐसा लगता है सब खत्म हो गया, मायूस हो गए सब लोग। अभी आज मैं ये लाइव बात कर रहा हूँ, अगेन मैं एक्टिव हो गया, नहीं तो मैं एकदम मायूस बैठा हुआ था। कंप्यूटर पर बैठो, पिक्चर देखो, अब मैंने इतनी पिक्चरें देखी, मुझे नाम भी अभी याद नहीं है कौन सी पिक्चरें देखी मैंने, है ना। पिक्चर यू नो लुकिंग एट इट, यू नो नथिंग एल्स। सर हमारे एक दोस्त आपके फैन, हमारे एक दोस्त आपके फैन पूछ रहे हैं कि सर आपका बॉलीवुड एक्टर, फेवरेट एक्टर कौन है सर, जो जो आपके हिसाब से? माय फेवरेट एक्टर आमिर खान। आमिर खान, क्यों सर, वो क्यों पसंद है? आमिर ने मेरे साथ एक गुजराती प्ले भी किया था। रियली? यस, इसका नाम था केसर भीना। दिस प्ले फॉर पृथ्वी थिएटर। कब कहाँ किया था सर, कब किया था? पृथ्वी थिएटर, आई एम टॉकिंग अबाउट दिस समय, यू नो महेंद्र जोशी, यू मस्ट हैव हर्ड ऑफ हिम। महेंद्र ने डायरेक्ट किया था, इसमें आमिर वाज प्लेइंग अ स्मॉल रोल विद मी। लोग, वी आर फ्रेंड्स। सो ही नोज यू वेरी वेल नाउ। ही नोज, अबे या ही नोज मी। फिर बाद में मैंने उसके साथ एक फिल्म भी की थी, राख। राख, तब उसने पहचाना था आपको? हाँ, तब उन्होंने पहचान लिया था आपको? किसने? आमिर खान ने? आमिर ने नहीं टाइम सजेस्ट किया था, आमिर नहीं, मेरा नाम सजेस्ट किया। अच्छा अच्छा ओके ओके ओके। उनके साथ मैंने पीके मूवी की थी, इसीलिए मुझे एक्सपीरियंस अच्छा है। बहुत ही जबरदस्त एक्टर है सर वो, मतलब इतना सब सब चीजों का वो खुद ही ख्याल रखते हैं। मैंने उसका दंगल देखा, बहुत कमाल था यार, व्हाट अ मूवी यार, क्या उन्होंने काम किया है सर, सच में सच में सर। अपने कई सारे दोस्त यहाँ पर जो है वो, कुछ लोग स्ट्रगल कर रहे हैं, कुछ लोग यहाँ बंबई आने के लिए सोच रहे हैं ताकि यहाँ पर इस फिल्म इंडस्ट्री में काम कर सके, प्लेस कर सके,
उनके लिए आप कुछ मैसेज पास ऑन करना चाहते हैं सर, वो कैसे शुरू करे, कहाँ से शुरू करे वो? सबसे पहले है ना, थोड़ा फाइनेंशियल बैकग्राउंड स्थिर बना देना अपना, बिकॉज यहाँ पे स्ट्रगल बहुत है. एंड डोंट गेट डिसअपॉइंटेड. अभी हाल में कुछ दो तीन लोगों ने सुसाइड कर दिया. Yes. So don't get disappointed also, but थोड़ा अपने आप को थोड़ा पकड़ के रखो, या be prepared कि you're going to face a lot of problems. अगर पैसे नहीं है, अगर तुम में confidence है कि तुम actor अच्छे हो, you will do it. But at that moment ना, तुम्हें अपने आप पे थोड़ा confidence रखना चाहिए and see that you don't lose faith. Correct. थोड़ा पैसा अगर बने तो थोड़ा अपने पास रखो, थोड़ा ताकि किसी के पास हाथ में चला ना पड़े. रेंट्स वगैरह इतने हैं, इट्स वेरी सैड यू नो. लेकिन ट्राई इट, इफ यू हैव फेथ इन योरसेल्फ कि मुझे एक्टिंग करनी है, आ जाओ. एंड डोंट गेट डिसअपॉइंटेड इफ यू डोंट गेट वर्क इनिशियली, बिकॉज आगे जाके होने वाला ही है. करेक्ट बोला सर आपने, बिल्कुल सही बोला. ये मेरा एक्सपीरियंस आपने बोल दिया सर, पूरा मेरा एक्सपीरियंस बोल दिया सर. Yes. क्योंकि सर मैं जब मुंबई आया था ना सर, तो मैं एक ही चीज को लेके आया था. मैंने थ्री इडियट उस टाइम पे मूवी देखी थी सर, और थ्री इडियट मूवी में वो आमिर खान बोलते हैं कि वो करो जिसमें तुम्हारा टैलेंट है. सोच अगर सचिन तेंदुलकर के फादर ने उसको ये बोला होता कि तू सिंगर बन जाओ, और लता मंगेशकर के फादर ने उसको ये बोला होता कि तू फास्ट बॉलर बन जाओ, तो आज वो लोग कहाँ होते? सक्सेस के पीछे मत भागो, एक्सीलेंस एक्सीलेंस का पीछा करो, सक्सेस झक मार के पीछे आएगी. सर ये डायलॉग मेरी लाइफ में ऐसा बैठ गया सर, और मैं जब भी देखता था ना वही डायलॉग मुझे देखता था मूवी में. मैंने बोला यार ये तो मुझे कुछ करना पड़ेगा, क्योंकि जब ऊपर वाला आपको बार बार ये चीज सामने लाता है ना, तो ये कुछ साइन है आपके लिए, कुछ अच्छा करना चाहता है आपके लिए. सो सर मैं ऐसे ही वो चीज को लेके मुंबई आ गया, और पता चला यहाँ तो कुछ पता ही नहीं है कहाँ से शुरू करना होता है, क्या करना होता है. तो सर वहाँ वो जैसे ही वो स्टेशन पर उतरा, तो वहां पर मैंने टिकट की लाइन में बहुत हैंडसम सा बंदा खड़ा था, एक्टर जैसा दिख रहा था. तो उसको मैंने पूछा भाई यहाँ पर एक्टिंग करने के लिए आया हूँ, कहाँ से शुरू करूँ? तो बोलता है कहाँ से आए हो? मैं बोला सूरत से आया हूँ. कौन सी ट्रेन में है? वो सुबह फ्लाइंग आती है ना, वो ही फ्लाइंग शाम को वापस जाती है. चले जाओ यहाँ पर कुछ नहीं होने वाला है, वो कुछ नहीं होने वाला है भाई, इधर कुछ नहीं होता है यार. यहाँ पर देखो ना मैं वो बॉडी बिल्डर वहां, मेरे को लगता है कि इसको काम नहीं मिल रहा, मेरे को कैसे मिलेगा? बट कभी भी अपने आप को डिसअपॉइंटिंग सिचुएशन में नहीं डाला. ये बंदे ने मना किया ना, तो पहले वो करो, उसको अप्लाई करो अपने लाइफ में, उसको करके देखो. अगर फिर नहीं होता तो ठीक है, लेकिन अगर उसने बोल दिया और नहीं करना है. मैंने ऑडिशंस भी वैसे ही दिए सर. कोई मुझे बोलता है कि अरे हेतल वहां पर ऑडिशन चल रहा है, लेकिन क्या है मजा नहीं है यार, वो तो साला फेक ऑडिशन लग रहा है मेरे को. तो जाके देख के, वो तो स्क्रिप्ट विप नहीं दे रहे, अपना खुद का करना होता है सर. वैसी जगहों पे जाके भी ऑडिशन देता था मैं. मैंने कुछ फिल्मों के डायलॉग्स कर करके रख लिए थे. कभी भी कोई बोलता है ना सर अपना खुद का सुनो, लो तुरंत सुना देता था डायलॉग वहां पर. सरफरोश मूवी का, कभी तारे जमी पर का, कभी अभी हम प्यार का पंचनामा उसका सुना देता हूँ, कभी बागबान मूवी सुना देता हूँ. सो वो ये मेहनत आपको अपने आपके साथ करनी पड़ेगी सर, मेरे हिसाब से तभी आप उसमें आगे कर पाओगे. नहीं तो कोई और आपके लिए यहाँ पर कुछ नहीं. कल मैं धर्मेश व्यास से पहली बार यहाँ बंबई में मिला था, क्योंकि सूरत में से आया था, तो बंबई में तो अपने किसको पहचानते थे, अरे धर्मेश भाई सूरत से आए. वो तो धर्मेश भाई से मिला, धर्मेश भाई ने बोला था कुछ काम हो तो बताना, लेकिन ड्रामा वामा के मैं कोई तुम्हें कोई कुछ भी वायदा नहीं करूंगा कि मैं तुम्हें काम दिलाई दूंगा, ऐसा कुछ नहीं होगा, अपने से मेहनत करनी पड़ेगी तुम्हें. और उस बात को सर उस टाइम पे मुझे बहुत पिंच किया था, लेकिन मुझे पता चल गया धीरे धीरे बाद में कि वो